किया उसी पर रेंग रहे हो, और जो पवन सिंह करेगा उसी पर रेंगोगे। आप लकीर खींचने कौन होते हैं? लकीर खींचने वाले भोजपुरी आपके लकीर से चलता है? नमस्कार प्रणाम, हम के राज, और आज हम बात करेंगे वही मुद्दा को लेकर, क्योंकि हम वीडियो नहीं बनाना चाहते थे। और क्यों नहीं, क्योंकि इससे भोजपुरी को ही बदनामी हो रही है जहां तक हो रहा है, इसके वजह से वीडियो नहीं बनाना चाहते थे। पर अब बनाना पड़ रहा है, क्योंकि देख रहे हैं कि कोई रुक ही नहीं रहा है। कभी रितेश पांडे लाइव आ रहे हैं, कभी समर सिंह आ रहे हैं, कभी गुंजन सिंह आ रहे हैं। इस पर हम भी दो शब्द बोलना चाहते हैं कि ये मैटर हमको जहाँ से लगता है उसके बारे में बताएंगे कि ये मैटर कहाँ से शुरू हुआ और क्यों शुरू हुआ, शायद हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो शुरू से एंड तक देखिएगा, ताकि आप लोग को समझ में आए। और आप लोग का क्या राय है जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपका क्या राय है इसके ऊपर, कि ये बात सच है या झूठ है। तो पहले वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को बताते हैं कि एक गाना आया था पवन खेसारी लाल का और अक्षरा सिंह का और बादशाह का, हिंदी सॉन्ग था, जिसके बारे में आप लोग को पता होगा। नहीं सुने होंगे तो सुन सकते हैं, जाके आपका मन हो तो सुन सकते हैं, नहीं माने तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वो सॉन्ग आया अक्षरा सिंह, अक्षरा सिंह को जानते ही हैं, वही अक्षरा सिंह जिसके चलते विवाद भोजपुरी इंडस्ट्री में बार बार होता है, जिसके ऊपर एक बार नीलकमल सिंह को भी फंसाया गया था, वही अक्षरा सिंह जिसका जिन्होंने पवन सिंह को भी फंसाने की कोशिश किया, वही अक्षरा सिंह जिन्होंने खेसारी लाल यादव से भी वो किए थे, छोड़ के मतलब गए थे, तो बहुत कुछ हुआ था। तो ये भोजपुरी इंडस्ट्री में विवाद हुआ था। तो अब हम इस पे हम क्यों बोल रहे हैं, अगर मेन मुद्दा ये है कि अभी जो हो रहा है पवन सिंह खेसारी लाल के बीच में, तो हमको जहाँ तक लगता है ये पवन सिंह खेसारी लाल के बीच में जो भी हो रहा है, इसमें अक्षरा सिंह का भी हाथ है कहीं से ना कहीं तक। क्योंकि अक्षरा सिंह को पता, अक्षरा सिंह टारगेट किसको करती है? पवन सिंह को। लगभग पवन सिंह को बहुत, जब अलग हुए दोनों तो बहुत विवाद हुआ, और अक्षरा सिंह का लगभग गाना आ रहा था पवन सिंह के ऊपर, जो कि बहुत कुछ गलत भी बोला जा रहा था और अलग भी हाथ धो किया बोलते बोलते। तो उसके बाद खेसारी लाल यादव को बालिए, तो खेसारी लाल यादव से भी हो गया था उसके पहले। तो अक्षरा सिंह अपना अलग भोजपुरी इंडस्ट्री में थी, मतलब अपना काम करती थी, और लोग उसे पसंद भी करने लग गए थे, क्योंकि वो अलग टाइप का मतलब गाना निकालती थी, मतलब बिल्कुल अलग। और किसी को टारगेट करके, पवन सिंह को टारगेट करके भी गाना आया था बहुत से, क्योंकि पवन सिंह ने उनको छोड़ दिया था, और नहीं साथ में मतलब ऑडियो वीडियो फिल्म में रोल वोल सब कुछ मतलब साइड कर दिया था, तो वो अपना अलग काम कर रहे थे। तो खेसारी लाल पवन सिंह से भी वो अलग, अक्षरा सिंह अपना काम कर रही थी। उसके बाद बात करें तो ये सॉन्ग आया बादशाह के साथ, हिंदी भोजपुरी सॉन्ग आया खेसारी लाल यादव अक्षरा सिंह का। तो पवन सिंह को शायद, हमको लगता है शायद, क्योंकि बहुत वीडियो तो था ही अलग लेवल का, तो पवन सिंह को इसके लेकर ख़राब लगा होगा, थोड़ा बड़ा तो ख़राब लगा होगा। इसके वजह से वो स्टेज पर आया, जब ये गाना रिलीज हुआ उसके बाद ही स्टेज शो हुआ था, एक दो दिन बाद। तो हमको लगता है, और आपको क्या लगता है जो बताइए, कि वही गर्मी वही गुस्सा स्टेज पर निकल गया और बोल दिया कि जो हम कर रहे हैं उसी पे, मतलब जो हम कर दिए हैं उसी पे तुम रेंगोगे, रेंग रहे हो। तो आप समझ सकते हैं कि उनका कहना क्या था और क्या चीज़, मतलब जो हम छोड़ दिए हैं उसी पे उसी को तुम कर रहे हो। और भोजपुरी में हिंदी सबसे पहले हम लाए, तो आप समझ सकते हैं कि किनको बोला गया था। जिनको बोला गया था उनको बुरा लगा भी, खेसारी लाल यादव को, और उनको ही बोला गया था लगभग माना जाए तो। लेकिन विवाद का जड़ मेन है, मेन माना जाए तो अक्षरा सिंह को हम बताते हैं, क्योंकि अक्षरा सिंह खेसारी लाल के साथ बहुत दिन बाद दोनों आए, और पवन सिंह को इसी बात का बुरा शायद लगा होगा, इसीलिए उन्होंने स्टेज पर आके जो मन में था, अब पिए थे कि नहीं पिए थे, नीतीश कुमार तो कहते हैं बिहार में दारू बंद है, तो उनको ही मालूम होगा। लेकिन हमको लगता है कि इसी के कारण ये सब कुछ हुआ जो भी हुआ। और आपका क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि देखा जाए तो अक्षरा सिंह बहुत दिन से भोजपुरी में किसी के साथ नहीं थी, और पवन सिंह अपने मन के बात जो दिल में था इसीलिए बोले। और जो बात और कुछ कहना चाहे तो हम यही कहना चाहते हैं कि सभी लोग शांत हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि भोजपुरी एक अच्छा लेवल पकड़ रहा था, एक अच्छा लेवल पे जा रहा था, पर एक ही बात धराम से नीचे गिरा और सभी इंडस्ट्री के लोग इस पर मजा ले रहे हैं। तो आप लोग इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाए ज़्यादातर, और छोड़ दिया जाए इसको, और अपना अपना काम करें, क्योंकि भोजपुरी बहुत आगे जा रहा था पर इस विवाद की वजह से बहुत पीछे आ गया। और सभी लोग अपना काम करें, और जो गलत है वो जनता को पता है कौन गलत है कौन सही है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए।